आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले सिक्स T20 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा 30 सितंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 8 बजे से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड की टीम 16 मुकाबलों में जीती है, वहीं 9 मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है। वहीं अगर इस सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज में अभी तक इन दोनों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 2 मुकाबले इंग्लैंड और 3 मुकाबले पाकिस्तान जीती है। करंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहां पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, हल्का सा पड़ा पाकिस्तान का भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे एलेक्स हेल्स, फिल शॉर्ट, डेविड मलान, बेन डकेट, हैरी ब्रूक, कप्तान मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक, डेविड विली, आदिल लासिद और मार्क वुड। इंग्लैंड की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो हमें पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान, कप्तान बाबर आजम, शान मासूद, हैदर अली, इख्तियार अहमद, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, सादाब खान, आमिर जमाल, हारिस रौफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। दोनों ही टीमों का कंपटीशन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं और इनफॉर्म भी हैं। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और बिल्कुल बराबर है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में इंग्लैंड का पल्ला हल्का भारी नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच हमें 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। यहाँ की पिच आमतौर पर बॉलिंग फ्रेंडली रहती है, लेकिन पिछले मुकाबले में देखा गया कि इस बार यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 125 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 115 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 197 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 101 है। यहाँ का हाईएस्ट चेज अभी तक 176 है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 147 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज्यादातर जीतती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है इंग्लैंड। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम जीतेगी। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर मैच की तरह इस बार भी आपको टेलीग्राम पर सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।